विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे, चोटी में चावल गुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, जरा से दूध चावल की खीर कैसे बनी। एक बोलिया बुढ़िया बोली, ना बेटा मैं बना दूँ। बाहर जाने लगी, बोले कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊँ। बोले देख तेरे घर के अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, पर आज चावल की भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे छिपके विनायक का टीका लगा के खा ली। जब सारी बन गई, बुढ़ी बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। बुढ़िया मैंने तो खा ली, कब खाई, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर खाई थी। हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का टीका लगा के खा ली। विनायक से बोली, अब क्या करूँ। बोले खा और बाँट, कटोरा भर भर कर बाँट दिया। झोपड़े को लात मारी, महल बन गया, खूब धनी धन हो गया। जैसे विनायक बुढ़िया पर टूटे, सब किसी पर टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरने का। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल पे जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा, ब्राह्मणी बोली क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, छह लड़कियाँ वहाँ, सातवीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर का मिला। आटा छानने लगी, बोली माँ मैं छानूंगी ना, बेटी पावनी धोली हो जाएगी, ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब बोली माँ मैं बनाऊंगी, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर कर खिलाया और दिन भूखे रहे। उस दिन पेट भर भर कर खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार का भोजन बनाकर लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसे आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौक का दीवा लगा लो। चौक का दीवा जला दिया। ना मैं कोठे में सोऊंगी, ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई, आधी रात पे उठी, चारों तरफ आप मारी, धनी धन हो गया। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, बेटी तू कहाँ चली। बोली मैं लक्ष्मी माता हूँ, इसके छह बेटी है, दरिद्र दूर करने आई थी, तैने करवाना हो तो करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख मारी, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसे सब किसी का करना क्या। भगवान का सिंहासन डोला, छोटी सी लड़की तब कर रही है, तो नितिन बाबू सोने की मूर्ति बनकर आलो में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज भी देख ले भाभी, नितिन बाबा देख ले माँ, नितिन बाबा माँ भी ध्यान भाभी भी ध्यान। नितिन बाबा जैसे छोटी लड़की का साथ रखा, वैसे सब किसी का रखो, कहते सुनते हुंकारा। दो सास बहू थी, बहू दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा औरतें पथवारी पर बैठी हैं, तो वो बोली तुम क्या कर रही हो। औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नाथ है, पथवारी सींचे है, भजन कहानी कहते हैं। वो बोली इसके करने से क्या होता है। वो बोली अंधन लक्ष्मी मिले है, 12 वर्ष पिछड़ा पति मिले है। बोली बहू बोली मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पथवारी पे चढ़ा देती, भजन गाने सुन लेती, घर जाती। सास कहती बहू पैसा ला, बहू कहती मैं ही नहाने दे तब लाऊंगे। ऐसे करते करते महीना हो गया। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी फूल पत्ती लेकर चले गए। बैठी रही पथवारी माता, बोली तू कहाँ बैठी है। वो बोली बहू बोली मेरी सास मेरे पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली तू मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। उसने जाकर कोठरी में रख दी। सास बोली बहू पैसा ला, बहू बोली कोठरी में रख दी है। सास जाके देखे तो खूब हीरे मोती भरे हैं। सास बोली बहू किसका चुराया, कहाँ से लाए। बहू बोली मेरे तो पथवारी माता टूटी है। बहू बोली दूध दही तो पथवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती, तुम कहती पैसा लाओ, मैं कह देती महीना पूरा होने दे तब लाऊंगी। महीना हुआ, सब मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पथवारी माता बोली तू क्यों बैठी है। मैंने कहा मेरी सास पैसा मांगेगी तो कहाँ से दूंगी। सो पथवारी बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। मैंने तो फूल पत्ते ला कर रखे थे। सास बोली अब के कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार जाकर बेचाती, धो वंदावन पथवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी सास से भी क्या पैसा मांगा जाता है। सास बोली मांग। बहू बोली सास पैसा लाओ। सास बोली महीना होने दे तब दूंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गई। सास बैठी रही। पथवारी माता बोली क्यों बैठी है। सास बोली मेरी बहू पैसा मांगेगी तो मैं बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास ने खूब सारी मिट्टी फूल भरी
कोठरी में रख दी। बहू बोली, महीना हो गया है, पैसे लाओ। सास बोली, कोठरी में देख ले जाके। देखे तो कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू बोली, सासू तुम किसका नरक कुंड ले आई? सास बोली, पथवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तैने दिए धन, मैंने दिया नरक। बहू बोली, सास तेरी करनी तेरे साथ, तू नहाई धन की भूखी, मैं नहाई सत से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती, तुम दूध दही बेच के धोवन धावन चढ़ा देती, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। हे पतवारी माता, जैसे सास न्याय किसी ने बताई, जैसे बहु न्याय सब न्याय कहते सुनते हुंकारा भर। कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नाती, 12 को जाती, 12 को साती। उसकी जब होती कंटड़ियों में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौते में गंगा, गंगा जी वहीं आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सास के नत घर वह आई, घर बहू नहाई थी, उसके कंटड़े में नत आ गए, उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा जी में बह गई है। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 को जाती हो, 12 को साती हो, मैं तो कटौते में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौते में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नत बहाई, मैंने ले ली। जैसे सास ने किसी ने बताई, जैसे बहू ने आई सब ने आई, कहते सुनते हुंकारा भरने का। गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दोनों बहनें खेत में जा रही थी। जमुना के पैर में 12 तिल उलझ गए। बहन बोली, क्या करूं? गंगा बोली, जिसका एक खेत है उसके घर 12 महीने नौकरी कर ले। बोली, अच्छा। वो गई झट के, बोली, जट जट मुझे नौकरी पर रख ले। बोली, रह जा। बोले, 4 काम नहीं करूंगी, बर्तन नहीं मांझूंगी, पैर नहीं दबाऊंगी, दीवा नहीं चासूंगी, बुहारी नहीं दूंगी। बोला, मत करियो। वो रहने लगी। 12 महीने में गंगा जी नहाना आया, जट जट नहीं, गंगा जी नहाने जा रहे थे। बोले, जमुना तू भी चल। जमुना बोली, मैं ना जाऊँ, मेरे 5 सुपारी सोने का टक्का चढ़ा दियो। जट जट नहीं खूब नहाए धोए, दान करके चलने लगे तो बैलगाड़ी चले ही ना। जट बोला, के भूली? उसने पल्ले को देखा, 5 सुपारी टका छपंधा है, वो चढ़ाने गए तो हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी भैया हाथ पसार कर ले लिया। मेरी बहन से कह दियो, 12 महीने पूरे हो गए, अब आ जाएगी। जाट जाटी चल दिए। जमुना जल भरी थी, बोली, कुछ कहा मेरी बहन ने? जाट बोला, ये कहा है 12 महीने पूरे हो गए, अब आ जाएगी। वहाँ जली जल हो गया। जाट जाटनी रोने लगे, हमने जमुना से काम कराया, हमारा कैसे पाप उतरेगा? सपने में जमुना दिखी। बोल, रो मत, मैं तो जमुना थी, जल में जा मिली, तुम्हारे खेत में जा रही थी, 12 तिल मेरे पैर में उलझ गए, 12 महीने नौकरी कर ली, अपना ऋण उतारा है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी। हे गंगा जमुना, जैसे जाट जाटनी ने टूटे, सब किसी ने टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरने। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा के गमले के नीचे बैठकर कहती, तुलसा तू खदा रानी खदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिलड़ा सीटो तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, चटके की चाल दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, कार्शिका दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। तुलसा माई सूखने लगी। अब श्री कृष्ण जी आए और बोले, तुलसा तू क्यों सूखने लगी? बोला, एक बुढ़िया माई आती है, वो कहती है, तुलसा रानी तू सुखदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिलड़ा सीटो तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो, सब सब दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दे दूंगी? कृष्ण जी बोले, तू फिक्र मत, मैं सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसा के गमले के नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के लोग बेटे पोते उठाए, बुढ़िया माई ना उठे, कहने लगे, पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना उठे। इतने में श्री कृष्ण जी छोटे से लड़के का रूप धारण करके आए, बोले, क्यों भीड़ लगा रखी है? सब बोले, इस बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया। बालक बोला, मैं भी देखूं। मैं जाकर बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई मैं आ गया। पीताम्बर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी फूंक दी, जैसे बुढ़िया ने आई सब ने आई, कहते सुनते हुंकारा भर। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी तपसी था, एक लपसी था, तपसी तो अपने तप किए जाता और लपसी सवा शेर का हलवा बनाकर भोग लगाकर खा लेता। भगवान बोले, तो बड़ा तप कर रहा है, इसका तप टिकाना चाहिए। भगवान ने सवा शेर का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने आँख खोल कर देखा तो उठा के पाँव के नीचे दबा लिया। लपसी छीन कर भाग लिया, पीछे पीछे तपसी भागा। बोला, मेरा तप भी टिकाया, मेरा सत भी टिकाया, मैंने कुछ भी ना मिला। भगवान बोले, धोती देकर अंगोछा ना दे तो मेरा पुण्य, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, सीधा देके पैसे ना रखे तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन ना लगाए तो तेरा पुण्य, 8 घड़े अमृत बड़े, 4 कहने वालों के, 4 सुनने वालों के।